उत्तराखंड सिंह मामले में सीबीआई के सवालों का जवाब देने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत सीबीआई के दिल्ली मुख्यालय पहुंचे। सीबीआई ने रावत से अपनी पूछताछ शुरू कर दी है। असिस्टिंग ऑपरेशन मामले की जांच कर रही सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के लिए दिल्ली समन किया था। असिस्टिंग में हरीश रावत अपनी सरकार बचाने के लिए कांग्रेस के बागी विधायकों को कथित तौर पर घूस की पेशकश करते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले हरीश रावत ने सीबीआई से देहरादून आकर पूछताछ करने का आग्रह किया था, जिसे जांच एजेंसी ने खारिज कर दिया था। रावत ने कहा कि सीबीआई ने मुझे 24 मई को दिल्ली बुलाया था। मैंने उनसे आग्रह किया था कि पूछताछ करने के लिए देहरादून आ जाएं, लेकिन उन्होंने मेरा आग्रह ठुकरा दिया। इसलिए मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं उनके साथ सहयोग करूंगा। सीबीआई ने उन्हें 9 मई को पेश होने के लिए समन दिया था। स्वास्थ्य कारणों से हरीश रावत सीबीआई के समक्ष पेश नहीं हो सके थे। अब हरीश रावत को सीबीआई के उन हर सवालों का जवाब देना होगा जो उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन में कही थी। पश्चिमी दिल्ली के नजोगढ़ इलाके में हुई विमान की इमरजेंसी लैंडिंग। एयर एम्बुलेंस ने पटना से उड़ान तो दिल्ली एयरपोर्ट के लिए भरी थी, लेकिन दोनों इंजन फेल होने की वजह से नजोगढ़ इलाके में उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इमरजेंसी लैंडिंग के बाद भी विमान में सवार सभी 7 यात्री सुरक्षित है और बड़ा हादसा टल चुका है। राजधानी दिल्ली के नजोगढ़ इलाके में एयर एम्बुलेंस की क्रैश लैंडिंग हुई। अल्केमिस्ट फार्मा की एयर एम्बुलेंस में 7 लोग सवार थे, जिसमें कुछ डॉक्टर, पायलट और मरीज भी थे। मरीज को गुड़गांव स्थित मेदांता अस्पताल ले जाया जा रहा था। विमान में सवार 5 यात्री पूरी तरह सुरक्षित है, जबकि 2 व्यक्तियों को हल्की चोट लगी है, जिनका इलाज राव तुलाराम अस्पताल में करवाया जा रहा है। हादसे पर केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा ने कहा कि हादसे में 2 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। यह हादसा विमान के दोनों इंजन फेल होने की वजह से हुआ। वहीं जिस मरीज को पटना से दिल्ली ले जाया जा रहा था, उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। हादसा नजोगढ़ के खैर गांव में हुआ। पटना एयरपोर्ट के डायरेक्टर राजेंद्र सिंह के मुताबिक पायलट ने पहले ही सूचना दे दी थी कि उसका एक इंजन फेल हो चुका है, लेकिन अचानक दूसरा इंजन भी सीज हो गया, जिसकी वजह से प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद हादसे के वक्त प्रशासन से पहले ग्रामीण पहुंच गए थे। खैर गांव के ग्रामीणों ने यात्रियों को निकालने में बड़ी मदद की। इसके बाद डीजीसीए ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। कॉमन मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट का विवाद अब खत्म हो गया है। स्टेट बोर्ड के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए राष्ट्रपति ने नीट अध्यादेश पर मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट नीट के दायरे से इस साल राज्य बोर्डों को बाहर रखने के लिए दिए गए अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। राष्ट्रपति ने अध्यादेश पर कानूनी सलाह मांगी थी। उन्होंने कुछ सवालों पर लीगल एक्सपर्ट से भी चर्चा की और बीते शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट ने नीट अध्यादेश को मंजूरी दी थी, जिसका मकसद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आंशिक तौर पर टालना है। इसमें कहा गया है कि सभी सरकारी कॉलेज, डीम्स यूनिवर्सिटी और निजी कॉलेज नीट के दायरे में आएंगे। छूट केवल राज्य सरकार की सीटों के लिए है। सरकारी सूत्रों ने कहा था कि निजी मेडिकल कॉलेजों में चिन्हित राज्य की सीटों को भी छूट है। आपको बताने कि इस अध्यादेश के जारी होने के बाद स्टेट बोर्ड के छात्रों को 24 जुलाई को होने वाली नीट की परीक्षा में नहीं बैठना होगा। हालांकि अगले साल उन्हें इस परीक्षा का हिस्सा बनना पड़ेगा। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने फास्ट ट्रैक स्मार्ट सिटी प्रतियोगिता के 13 विजेताओं की घोषणा कर दी है। इन 13 शहरों में लखनऊ पहले स्थान पर है, जबकि वारंगल दूसरे पायदान पर है। वेंकैया नायडू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने फास्ट ट्रैक स्मार्ट सिटी प्रतियोगिता के 13 विजेताओं की घोषणा कर दी। इन 13 शहरों में लखनऊ शीर्ष स्थान पर है, जबकि वारंगल दूसरे स्थान पर है। अन्य शहरों में हिमाचल का धर्मशाला, चंडीगढ़, रायपुर, न्यू टाउन, कोलकाता, भागलपुर, पणजी, पोर्ट ब्लेयर, इम्फाल, रांची, अगरतला और फरीदाबाद शामिल हैं। नायडू ने बताया कि इन शहरों का चयन और राशि का आवंटन शहरी आबादी और अन्य मानदंडों के आधार पर किया गया है। नायडू ने कहा कि 500 शहरों का स्वच्छता सर्वे कराया जा रहा है। स्मार्ट सिटीज में पानी समस्या नहीं होगी, स्मार्ट सिटीजन भी इसमें भूमिका निभाएंगे। स्मार्ट सिटीज के बहाने नगर पालिकाएं क्षमता निर्माण कर रही हैं। पिछली सरकारों के जमाने में हुए कंस्ट्रक्शन पर निवेशकों का विवाद है, हम उन्हें भी नए कानून के तहत निपटाएंगे। नायडू ने कहा कि इस साल 27 शहरों को स्मार्ट सिटी में शामिल किया जाएगा। इसमें सूबे के रायबरेली और मेरठ को भी शामिल करने का मौका दिया जाएगा। असम में पहली बार बहुमत में आई भाजपा के सर्बानंद सोनोवाल ने असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लालकृष्ण आडवाणी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह समेत भाजपा के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। असम में बीजेपी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने शपथ ली। राज्य के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर सर्बानंद सोनोवाल ने शपथ ली।
असम के राज्यपाल पीवी आचार्य ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी सहित कई महत्वपूर्ण हस्तियां मौजूद रही। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के अलावा पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई भी मौजूद रहे। सोनोवाल के अलावा हिमांत बिस्वा शर्मा समेत 10 मंत्रियों ने शपथ ली। बिस्वा कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे और इन चुनावों में वह अहम रणनीतिकार साबित हुए। इसमें 6 मंत्री बीजेपी से और 4 गठबंधन दलों से हैं, 2 एजीपी और 2 टीप से हैं। असम के खानापारा ग्राउंड में शपथ ग्रहण समारोह में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। चंद्रमोहन पटवारी, रंजीत दत्ता, प्रमिला रानी, ब्रह्मा परिमल शुक्ल वैद्य ने मंत्री पद की शपथ ली। आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। दिल्ली और बिहार में बीजेपी की हार के बाद इस जीत ने कार्यकर्ताओं में उत्साह भर दिया है। बाराबंकी में समाचार प्लस की खबर का असर हुआ है। पुलिस ने पाखंडी बाबा परमानंद तिवारी को चित्रकूट से गिरफ्तार किया है। पाखंडी बाबा परमानंद तिवारी बच्चे पैदा करने के नाम पर महिलाओं के साथ उनका यौन शोषण करता था। समाचार प्लस की खबर का बड़ा असर हुआ है। अधर्मी बाबा परमानंद की गिरफ्तारी हुई है। बाराबंकी के देवा कोतवाली क्षेत्र के हर्रई आश्रम के अय्यास बाबा परमानंद उर्फ राम शंकर तिवारी आखिरकार पुलिस के हाथ से चढ़ ही गया। पुलिस ने ढोंगी बाबा को चित्रकूट से पकड़ा है, साथ ही उसके करीबी शिष्य अरविंद की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि यह ढोंगी बाबा निसंतान महिलाओं को बच्चे पैदा करने का दावा कर उनका यौन शोषण करता था। इतना ही नहीं, यह उन महिलाओं की वीडियो क्लिप बनाकर उन्हें ब्लैकमेल और शोषण किया करता था। बाबा की इस काली करतूत का भंडाफोड़ तब हुआ जब एक पीड़िता ने एक सेक्स क्लिपिंग को सोशल मीडिया पर शेयर किया। इसके बाद पुलिस ने बाबा के खिलाफ मामला दर्ज कर जब उसके आश्रम पर छापा मारा तो कई अन्य अश्लील वीडियो भी सामने आए। इसके बाद से ही बाबा को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश डाल रही थी। वहीं बाराबंकी के एसपी अब्दुल हमीद की माने तो पूछताछ के दौरान पाखंडी बाबा परमानंद तिवारी ने कुछ भी पुलिस के सामने नहीं उगला। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि अश्लील वीडियो की पूरी तरह से फोरेंसिक जांच होगी। वहीं पुलिस ये भी दावा कर रही है कि जल्द ही परमानंद तिवारी उर्फ ढोंगी बाबा को पुलिस रिमांड पर लेकर और पूछताछ करेगी। घपले घोटालों की जांच की बात करने वाले मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद सीबीआई के दफ्तर में हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने कई बड़े आरोप मुख्यमंत्री हरीश रावत पर लगाए हैं। भाजपा नेता रविंद्र जुगरान ने पत्रकार वार्ता कर मुख्यमंत्री हरीश रावत पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें डराने धमकाने के अलावा ब्लैकमेल करने का आरोप भी शामिल है। जुगरान का कहना है कि सरकार ने राज्य गठन से अब तक आवंटित सरकारी जमीनों की जांच कराने को कमेटी का गठन किया है, लेकिन रावत सरकार में ही कई सौ एकड़ में फैले टी स्टेट की जमीन को एडीएम कोर्ट से डीटीसी कंपनी के पक्ष में कर दिया गया, जिसके बाद सरकार को ऊपरी अदालतों में अपील करनी चाहिए थी, लेकिन जानबूझकर ऐसा नहीं किया गया और घोटाले को अंजाम दिया गया। हमारी मांग है कि रावत सरकार की कमेटी अन्य जमीनी मामलों के साथ ही 3 महीने के भीतर टी स्टेट की जमीन की भी जाँच करे, साथ ही जमीन को सरकार के पास वापस लेकर आए। भाजपा नेता का आरोप है कि मुख्यमंत्री हरीश रावत विरोधियों को दबाने के लिए जांच के हथकंडे को अपनाते हैं, लेकिन अगर वो बिल्कुल पाक साफ हैं, तो टी स्टेट की जमीन को लेकर भी वो जांच कराएं और जो भी सच है उसको लेकर सामने आए। उत्तराखंड की स्थानीय भाषाओं को संरक्षित करने के लिए बनाए गए नए संस्थान को लेकर नाखुश दिखाई दिए हैं उत्तराखंड के साहित्यकार। कहा, पहले से भाषाओं के संरक्षण को लेकर बनाए गए संस्थान कुछ भी नहीं कर पाए, अब क्यों नहीं सीधे भाषाओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता। उत्तराखंड में कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी भाषाओं के संरक्षण को लेकर एक और नए बोली भाषा संरक्षण संस्थान बनाने के कैबिनेट के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। खासकर राज्य के साहित्यकार इस सरकार के फैसले का समर्थन करते नहीं दिखाई दे रहे। वरिष्ठ साहित्यकारों का मानना है कि पहले भी सरकारों ने राज्य में बोली भाषाओं के संरक्षण को लेकर संस्थान बनाए, लेकिन ये सब अपना काम सही रूप में नहीं कर पाए। ऐसे में एक और संस्थान बनाने का सरकार का फैसला सही नहीं है। इस नए संस्थान का ढांचा क्या होगा ये अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन इसका मुख्यालय गोचर में होगा। सांसद तरुण विजय पर हुए हमले के बाद चकराता में दलितों के मंदिर प्रवेश के मसले पर प्रशासन संजीदा हो गया है। हालांकि राजधानी देहरादून में हुई बैठक हंगामे की भेंट चढ़ गई। माइक खींचने से लेकर डीएम और कप्तान को खुद मोर्चा संभालना पड़ा। साथ ही डीएम ने सख्त फैसले लेने की चेतावनी भी दी है। राजधानी देहरादून में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में रायपुर ब्लॉक में हुई बैठक में खूब हंगामा हुआ। दरअसल जिलाधिकारी ने जौनसर बावर क्षेत्र के जाति जनजाति क्षेत्र से जनप्रतिनिधियों और इलाकाई लोगों को बुलाया था। जिलाधिकारी ये चाहते थे कि लोग मंदिरों की असल स्थिति पर खुलकर राय रखें और किसी के खिलाफ भी द्वेष भावना से
प्रभावी होके कोई बात ना कहें, लेकिन दलित समाज और दोनों पक्षों में कुछ विवाद देखने को मिले, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। स्थिति तब तनावपूर्ण हो गई जब एक वर्ग विशेष के लोग बैठक छोड़कर चले गए। जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया है कि सबको मंदिर में प्रवेश का हक है, लेकिन किसी की धार्मिक भावनाओं को न छेड़ा जाए न ही किसी को परेशान किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि सबको साथ मिलकर चलना चाहिए और जनजाति क्षेत्र की अपनी विशेषता, अपनी रीत रिवाज और अपनी मान्यताएं हैं, जिसका भी पूरा आदर सत्कार होना चाहिए। मंदिर प्रवेश को लेकर हो रहे विवाद को देखते हुए जिलाधिकारी ने कमेटी का गठन किया है, जो कि ऐसे मामलों पर निगाह रखेगी। इसमें दलित और दूसरे समाज के लोग भी शामिल होंगे। साथ ही इस इलाके में अब कोई धार्मिक रैली, यात्रा और जुलूस निकालने पर भी पाबंदी होगी, ताकि सामाजिक समरसता बनी रहे। एडीआर ने जुटाए 2004 से 2015 के बीच हुए लोकसभा और राज्यसभा चुनाव में चंदा इकट्ठा करने और खर्च करने के राशि के आंकड़े। चंदा जुटाने में सपा सबसे आगे, वहीं 38 करोड़ के साथ आप दूसरे नंबर पर। राजनीतिक दल अक्सर अपनी आय और खर्च करने को लेकर चुप्पी साधे रहते हैं। बहुत कम ही होता है जब वो इस मसले को लेकर एक दूसरे पर सवाल भी उठाते हैं, लेकिन एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने इन दलों की चंदा से जुटाए धन और खर्च करने को लेकर पड़ताल की है। एडीआर ने 2004 से 2015 के बीच हुए विभिन्न राज्यों में कुल 71 विधानसभा और 3 लोकसभा चुनाव में जुटाई रकम और खर्च करने की राशि के आंकड़े जुटाए हैं। एडीआर के आंकड़े बताते हैं कि इस 2004 से 2015 के बीच 71 राज्यसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने नकदी के माध्यम से 2107.80 करोड़ रुपए जमा किए। साल 2004, 2009 और 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में चेक से सर्वाधिक राशि आई, जो 55% या करीब 1300 करोड़ रुपए थी। वहीं इस दौरान 1039.06 करोड़ रुपए की नकदी आई। आंकड़ों के अनुसार समाजवादी पार्टी इन चुनावों में राशि को इकट्ठा करने और खर्च करने में सबसे आगे रही है। पार्टी ने 186 करोड़ रुपए जुटाए, जिसमें से 96 करोड़ रुपए खर्च किए। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने बजरंग दल द्वारा दी जा रही हथियार चलाने की ट्रेनिंग को सही ठहराया है। राज्यपाल राम नाईक का कहना है कि अपनी सुरक्षा के लिए हर तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति स्व संरक्षण नहीं कर सकता, वह समाज को क्या संरक्षण प्रदान करेगा। अलीगढ़ के पाली मुकीमपुर रोड स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में एक वार्षिकोत्सव आयोजित किया गया था, जहां पर राज्यपाल राम नाईक मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसके बाद राज्यपाल राम नाईक ने मीडिया से रूबरू होकर अयोध्या में बजरंग दल को प्रशिक्षण देने के मामले में कहा कि स्व संरक्षण के लिए सभी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है, इसको देते रहना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या है? यह मान्यता है कि जो स्वयं को संरक्षण नहीं दे सकता, वह समाज को क्या संरक्षण प्रदान करेगा। इस पर किसी भी स्कूल या संस्था को आपत्ति नहीं दर्शानी चाहिए। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उन्होंने कहा कि आप टीवी और समाचार पत्रों में देख रहे हैं, कानून व्यवस्था में सुधार की जरूरत है और मुख्यमंत्री सुधार कर भी रहे हैं, फिर भी कानून व्यवस्था में सुधार की परम आवश्यकता है। राज्यपाल ने मंच से बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में उत्तम करें, तभी प्रदेश उत्तम बन सकता है। आपको बता दें कि अयोध्या में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लाठी चलाने और राइफल चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिस पर संगठन का कहना है कि यह ट्रेनिंग हिंदुओं की सुरक्षा के लिए दी जा रही है। राज्य को बने 16 साल का समय बीतने जा रहा है, लेकिन यूकेडी के नेता हैं जो आज भी अपनी साख लोगों के बीच में कायम नहीं कर सके हैं, लेकिन दावे किए जा रहे हैं कि वो भाजपा और कांग्रेस का विकल्प बनकर उभरेंगे। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन नेताओं की 16 साल में ही पहचान ना बनी हो, वो नेता किस तरीके से जनता के बीच जा सकेंगे। भाजपा कांग्रेस का विकल्प बनने के दावे करने वाली यूकेडी अब एक बार फिर से असली और नकली के खेल में उलझ गई है। राज्य का एकमात्र क्षेत्रीय दल होने के बावजूद अपनी साख बचाने में नाकाम यूकेडी चुनाव को नजदीक आता देख आपस में ही उलझकर रह गई है। राज्य में इन दिनों यूकेडी के नाम से दो दल दावा कर रहे हैं कि वो असली हैं, जिसमें एक यूकेडी के अध्यक्ष पुष्पेश त्रिपाठी हैं तो दूसरी यूकेडी के अध्यक्ष त्रिवेंद्र पवार। दोनों में असली कौन है और नकली कौन, इसका खुलासा होना अभी बाकी है। हालांकि विधानसभा चुनाव को देखते हुए दोनों ही एक दूसरे को गलत ठहरा रहे हैं। राज्य का एकमात्र क्षेत्रीय दल यूकेडी 16 सालों में भी अपनी साख जनता के बीच नहीं बना सका है, जिसे क्षेत्रीय दल हाशिए पर चला गया है।
16 सालों में अपनी पहचान बना पाने में नाकाम यूकेडी के नेता एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस का विकल्प बनने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन ये तो आने वाला चुनाव ही बताएगा कि भाजपा और कांग्रेस का विकल्प बनकर यूकेडी को लोग स्वीकारते भी हैं या नहीं। लखीमपुर खीरी में न्याय के लिए एक परिवार सड़क पर उतर आया। दो दिन पूर्व नाबालिग बच्ची संग रेप के बाद हत्या के मामले में नाराज ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव करते हुए हल्ला बोल दिया। लखीमपुर खीरी में नाबालिग बच्ची संग रेप के बाद हत्या के मामले में घटना के दूसरे दिन न्याय की मांग को लेकर परिजन ग्रामीणों संग सड़कों पर उतर आए। नाराज लोगों ने नाबालिग का शव रखकर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग जाम कर दिया और जमकर प्रदर्शन किया, फिर भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। वहीं पुलिस नाराज लोगों संग अभद्रता भी कर दी, जिसके बाद लोगों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। बाद में पुलिस ने किसी तरह लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। भले ही प्रदेश सरकार रेप जैसे मामलों में कितनी ही सख्त हो, पर इस मामले में पुलिस प्रशासन की कार्यशैली ने सवाल खड़े कर दिए हैं। बरेली में गरीबों को दिए जाने वाला राशन बरसात में भीग रहा है, लेकिन अफसर बेखबर हैं। दो दिन में हुई बारिश के कारण गेहूं पूरी तरीके से भीग गया है, लेकिन किसी ने इसकी सुध नहीं ली। समाचार प्लस पर खबर चलने के बाद एसडीएम ने मौका मुआयना किया और दोषी लोगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। अफसरों और कोटेदारों की लापरवाही से गरीबों का निवाला बारिश में भीग रहा है। हजारों बोरे सड़क के किनारे खुले में डाल दिए गए हैं, जब बारिश आई तो बोरे भीग गए। इस लापरवाही को लेकर लोगों में आक्रोश है, लेकिन अफसरों के कान पर क्यों नहीं रेंग रहा है। फतेहगंज पश्चिमी कस्बा के मोहल्ला बिटोरा निवासी प्रदीप सिंह और रामपाल सिंह का बिल्डिंग में खाद विभाग का गोदाम है। इस ब्लॉक के क्षेत्र के हजारों गरीबों को बटने के लिए खाद्यान्न इसी गोदाम से जाता है। कुछ दिन पहले हजारों बोरी खाद्यान्न गोदाम पर आया। जिम्मेदार लोगों ने खाद्यान्न को अंदर रखने की कोई रुचि नहीं ली। हजारों बोरी सड़क के किनारे खुले में लगा दिए गए। सोमवार को सुबह आंधी बारिश से खाद्यान्न के हजारों बोरे भीग गए। बोरियों के ढक तक नहीं की गई। बरसात में बोरी भीगने से खाद्यान्न के सड़ने की आशंका है। एक ओर तो गरीबों को एक वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही, तो दूसरी ओर अफसरों की लापरवाही से इस तरीके से राशन बर्बाद किया जा रहा है। अब देखना यह है कि दोषी अफसरों पर कब तक कार्रवाई की जाती है। मथुरा के थाना मगोर्रा इलाके के छपरा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चूल्हे से निकली चिंगारी ने पूरी गांव को अपनी चपेट में ले लिया। इस आग में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक होना बताया जा रहा है। उठती आग की लपटों का यह नजारा है मथुरा के गांव छपरा का। इस गांव में उस वक्त आग लग गई जब एक महिला चूल्हे पर खाना बना रही थी, तभी तेज आंधी चलने लगी। तेज आंधी के चलते आग दहक गई और देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया और आसपास के 50-60 घरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की सूचना मिलते ही पुलिस और आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। इस आग पर पूरे गांव में हाहाकार मच गया, कई पशुओं की भी जलकर मौत हो गई। आग की सूचना पर जिले के दमकल व अधिकारी मौके पर पहुंच गए, आग स्थिति का जायजा लिया, लेकिन तेज आंधी होने के कारण आग को काबू करने में दमकल व पुलिस कर्मियों को काफी मेहनत करनी पड़ रही थी। दमकल की करीब आधा दर्जन गाड़ियां आग पर काबू करने के प्रयास में जुटी। आग भीषण होने के कारण भरतपुर और आगरा जिलों से भी दमकल की गाड़ियां मंगाई गई। इस आग के कारण कई परिवार पूरी तरह से तबाह हो गए। फिलहाल आग के कारण गांव में काफी नुकसान होने का अंदेशा लगाया जा रहा है। दमकल और पुलिस के लोग आग पर काबू पाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। आग से कितनी बर्बादी हुई है इसका आकलन आग के बुझने के बाद ही पता चल पाएगा। आग इतनी भयंकर बताई जा रही है कि मथुरा के अलावा आगरा भरतपुर से भी फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ी। यही नहीं, इस आग में मकान जलने के बाद कई परिवार इस आग की वजह से तबाह हो गए। मथुरा के अलीगढ़ में 14 साल के मासूम के अपहरण से हड़कंप मच गया। अपहरणकर्ताओं ने फोन करके 50 लाख की फिरौती मांगी और कहा कि पैसे दे दो वरना बच्चे को मौत के घाट उतार देंगे। अलीगढ़ के कुवारसी थाना क्षेत्र के रामबाग कॉलोनी में एक महीने से लापता किशोर का अभी तक सुराग नहीं लग सका। एक बार नहीं 6 बार अपहरणकर्ताओं ने फोन कर 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की और पुलिस एक महीने बाद भी लकीर पीटती नजर आ रही है। 14 साल का किशोर रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था, जिसकी सूचना परिजनों ने पुलिस को दी थी, जिसके बाद पुलिस ने अपहरण का मामला तो दर्ज कर लिया था, लेकिन मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इस बीच अपहरणकर्ताओं ने परिजनों से 6 बार फिरौती की मांग को लेकर फोन कर चुके हैं। अपहरणकर्ताओं ने फिरौती न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी है। वहीं पुलिस ने पीड़ित परिजनों को भरोसा दिलाया है कि मामले की गंभीरता से जांच पड़ताल की जा रही है। घटना के प्रत्येक पहलू पर बारीकी से जांच पड़ताल कर जल्द मामले का खुलासा कर दिया जाएगा।
अब देखना होगा कि पुलिस कब तक इस मामले में खुलासा करती है। इंतजार की घड़ियां आज खत्म हो जाएंगी। ईद के मौके पर रिलीज होने वाली सलमान खान की मच अवेटेड फिल्म सुल्तान का ट्रेलर आज शाम को 7 बजे IPL मैच के दौरान रिलीज किया जाएगा। बॉलीवुड की मच अवेटेड फिल्म सुल्तान के फैंस का इंतजार लगभग अब खत्म हो गया है। जी हाँ, सुल्तान फिल्म के टीजर के बाद फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होने वाला है। सुल्तान का ट्रेलर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और गुजरात लॉयंस की महाभिरंत के बीच दिखाया जाएगा। जी हाँ, ट्रेलर की लॉन्चिंग आज शाम 7 बजे IPL मैच में की जाएगी। फिल्म में सलमान खान और अनुष्का शर्मा एक रेसलर की भूमिका में नजर आने वाले हैं और रणदीप हुड्डा भी फिल्म में होंगे। सलमान और अनुष्का दोनों ने इस फिल्म के लिए कड़ी मेहनत की है। सलमान फिल्म में पहलवान सुल्तान अली खान की भूमिका में दिखेंगे। फिल्म में उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के उतार चढ़ावों को दिखाया जाएगा। अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अनुष्का भी अखाड़े में अपना दमखम दिखाती नजर आएंगी। फिल्म 6 जुलाई को रिलीज होगी, लेकिन कोई शक नहीं कि फिल्म का ट्रेलर देखकर जाहिर हो जाएगा कि ये साल 2016 की ब्लॉकबस्टर साबित होगी या नहीं।